देख रहे होंगे चिराग पासवान अभी अभी राजभवन से निकल रहे हैं, उनसे अभी कुछ पूछेंगे क्या कुछ कहते हैं, तमाम बातें इस वीडियो में सुनेंगे। खुद यहाँ पर मौजूद नहीं थे पर उनके जो प्रोटोकॉल में जो ऑफिसर हैं उनको अभी हम लोग देकर आए हैं, बट संभवतः फिर हम लोग दोबारा एक बार प्रयास करेंगे जब महामहिम यहाँ पर हों और उनसे व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि जो बिंदु हम लोगों ने इसमें लिखे हैं वो उनको समझाना, उनको बताना ज़रूरी है। आइए रेणु जी, वो उनको समझाना ज़रूरी है। संभवतः वो बिहार के राज्यपाल हैं, जानकारी उनको हर विषय की है, पर जिस दृष्टि से हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग आशीर्वाद यात्रा पर हम लोग निकले थे, हम लोग के पास हमारा कैडर आके हम लोग को इन तमाम बातों की जानकारी देता है, तो हम लोग जिस दृष्टि से इसे देख रहे हैं इसमें सबसे पहले नंबर पर अब हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बस एक मिनट में हम लोग खत्म कर अब लेने दीजिए ना सर, लेने दीजिए। बोलिए बोलिए सर, आप बोलिए। इसमें पहले नंबर पर हम लोगों ने 19 लाख रोजगार का जिक्र किया है, जो बिहार सरकार जिस वादे के साथ सरकार में आई थी और आज लगभग 1.5 साल बीतने के बाद मुझे लगता है शायद मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि 19 लाख तो दूर, 19 आदमी खड़े करके दिखा दें जिनको इन्होंने रोजगार दिया है तो शायद हम लोग मानेंगे कि सरकार इस दिशा में, रोजगार की दिशा में कुछ प्रयासरत है। दूसरी बिंदु पर हम लोगों ने शराबबंदी की विफलता का, जो खामियाजा गरीब बिहारी भुगत रहे हैं उसका हम लोगों ने जिक्र किया है, और ना सिर्फ जहरीली शराब से होने वाली मौत बल्कि लाखों ऐसे गरीब हैं जिनको इस कानून का दुरुपयोग कर जेलों में ठूसा गया है। लाखों लोग प्रदेश भर में ऐसे बंद हैं जिनको इस कानून का दुरुपयोग करके उनको बंद किया गया, और सब गरीब परिवार से आते हैं। तीसरा जिक्र, जो बिहार को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मसार करती है, मुजफ्फरपुर के बाद हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि पटना में, बिहार में पुनः ऐसी कोई घटना घटेगी, बट पटना में जिस तरीके से बालिका सुधार गृह में छोटी छोटी बच्चियों को जबरन देह व्यापार में घसीटा जा रहा है, इस बात का हम लोगों ने प्रमुखता से हम लोगों ने जिक्र किया। और अफसोस की बात यह कि 24 घंटे के भीतर ही आप उस व्यक्ति को एनओसी दे देते हैं जिसके खिलाफ बच्चियां बाइट दे रही हैं, उनका नाम ले रही हैं, तो संरक्षण प्राप्त है सरकार का इन लोगों को। चौथे बिंदु पर हम लोगों ने जिक्र किया है अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले लोगों के ऊपर जिस तरीके से उत्पीड़न बढ़ा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने चुनाव से पहले वादा किया था कि अगर किसी दलित परिवार में हत्या होगी तो उसे सरकारी नौकरी दी जाएगी। उस वक्त भी हम लोगों ने कहा था कि आपका ऐसा कहना बिहार में हत्याओं को बढ़ावा देगा। एक मुख्यमंत्री जो प्रदेश का गृह मंत्री है वो सोच भी कैसे सकता है कि उनके रहते प्रदेश में हत्या होगी, और ना सिर्फ उन्होंने सोचा, इसको लेकर उन्होंने योजना भी बना दी कि हत्या होगी तो आपको सरकारी नौकरी दी जाएगी। कहाँ है सरकारी नौकरी? एक कोई दलित परिवार मुझे दिखा दें, एक कोई अनुसूचित जाति का परिवार मुझे दिखा दें जिस परिवार में हत्या हुई। इनके गृह जिले में हत्याएं हुई हैं, छोटे छोटे बच्चों का गला रेत कर उन्हें मार दिया गया है, नालंदा की बात कर रहा हूँ और विभिन्न और जिलों में। एक जगह बता दें, हम लोग जब डीएम साहब से बात करते हैं तो कहते हैं कि भैया इसके ऊपर अभी कोई अधिसूचना ही नहीं आई। ये है 1.5 साल में इनका कानून धरातल पर उतरता हुआ। पांचवी बिंदु पर, बिहार में जो आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, हत्या, अपहरण, बलात्कार, लूटमार, मतलब बताइए बाखड़गंज जैसी जगह जहाँ कंधे से कंधा टकराता है भैया दिन में चलने में, वहाँ पे 14 करोड़ की आप लूट कर देते हैं। आए दिन हत्याएं हो रही हैं, एयरपोर्ट बगल में है भैया रुपेश, क्या हुआ उनकी हत्या हुई? इतना शोर हल्ला हुआ, सब हुआ आज ठंडे बस्ते में। और जितनी हत्याएं बिहार में हुई हैं, छोटी सी बच्ची को रेप कर उसका शव नदी में फेंक दिया गया था, वैशाली में हम लोग गए थे, क्या हुआ उन हत्याओं का भैया? जवाब देना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चुप्पी साथ लेते हैं। उसके बाद छठे पॉइंट पर हम लोग, 11 पॉइंट है, छठे पॉइंट पर हम लोग बिहार में जितने लोग हैं जो शांतिपूर्वक अपना, हम लोग का भी आंदोलन भैया शांतिपूर्वक था, आंसू गए, पानी की बौछारें, लाठियां, सर फोड़ा गया, पांव टूटा, अभी हम लोग अस्पताल जा रहे हैं, सबसे आग्रह करूंगा रहिएगा उसमें, और यही शास्त्री नगर अस्पताल, यही जो इन्होंने, और ये इससे पूर्व में भी शिक्षकों पे हो, छात्रों पे हो, वार्ड सचिवों पर हो, ममता हो, आशा कर्मी हो, जितने हैं जो जो आंदोलन पे बैठे सबके आंदोलन पे इन्होंने लाठियां चलाई, उसके खिलाफ हम लोगों ने माँ महिम जी से आग्रह किया है कि वो अपने संज्ञान में ले। अफसरशाही और भ्रष्टाचार 7वां पॉइंट है। आज की तारीख में बिहार में शायद ही कोई ऐसा काम है जो बिना घूस दिए होता, उस भ्रष्टाचार को। मुख्यमंत्री भैया नाम जपने से क्या होता है? जीरो टॉलरेंस। भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने से क्या होता है? जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस दिखता कहाँ है आपका करप्शन के खिलाफ? संरक्षण प्राप्त है आपका भ्रष्टाचारियों को, और इसीलिए बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। शिक्षा,
जिसकी चौपट होती हालत है बिहार में। आज आप लोग मुझे बता दीजिए कोई ऐसा प्राथमिक शिक्षा केंद्र है जहां पे भवन हो, बैठने के बेंच हो या शिक्षक स्वयं हो। अधिकांश जगहों पर, कितनी जगह तो अपने क्षेत्र में भी दिशा की बैठक मैं करता हूं, बार बार हम लोग आग्रह करते हैं कि भैया शिक्षकों की भर्ती कीजिए। भर्ती में आप घोटाला कर देंगे, बट भर्ती कर शिक्षकों को विद्यालय तक आप नहीं पहुंचाएंगे। शिक्षा के गिरते स्तर को लेकर हम लोगों ने इनसे आग्रह किया। उसके बाद हमारे अन्नदाता किसान भाई, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी किसानों की बात करते हैं, उनके आय को दुगना करने की बात करते हैं, और यहाँ पर खाद को लेकर जो कालाबाजारी हो रही है, भैया किसान अगर अपने अनाज को, अगर उसकी उपज ही नहीं कर पाएगा, खाद ही नहीं डाल पाएगा, तो किस बदहाली में जिएगा किसान, इसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। खाद की जिस तरीके से कालाबाजारी हो रही है, मुख्यमंत्री खामोशी से बैठे हुए हैं। दसवां पॉइंट, स्वास्थ्य। आप सब जानते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी खुद अपने स्वास्थ्य का इलाज कराने दिल्ली जाते हैं, 1000 किलोमीटर की चार्टर फ्लाइट करके। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर बिहार में अपना आंख का ऑपरेशन करा लिए मुख्यमंत्री, तो उनकी भी आंखों को निकलने की जरूरत पड़ जाएगी, जैसे मुजफ्फरपुर में हुआ था। ये कोई छोटी घटना नहीं है भैया, मुजफ्फरपुर की घटना। मोतियाबिंद के ऑपरेशन में बाई आंख का ऑपरेशन आप दाई में कर देते हैं, और दाई आंख में आप इतना खराब ऑपरेशन करते हैं कि आंख निकालनी पड़ती है। आज वो पत्थर की आंख लगाने वाले वो तमाम पीड़ित परिवार दर दर भटक रहे हैं कि भैया कहाँ जाएं, अब हम लोग पत्थर, दोनों आंखों की रोशनी आपने छीन ली। और आखिरी पॉइंट, जिस तरीके से छात्रों पर इन्होंने बर्बरता बरसाई है, वो RRB NTPC के छात्रों, भैया केंद्र से वो अपनी मांग रखने जा रहे थे, आप काहे के लिए उनके ऊपर लाठियां चला रहे हैं भैया, और अपराधियों की तरह घुस घुस कर कमरे का दरवाजा तोड़ तोड़ कर घसीट घसीट कर उनको मार रहे हैं। जिस तरीके से STET के छात्र कब से आंदोलन कर रहे हैं भाई, कोई बहरा व्यक्ति भी अभी तक उसका भी हृदय पिघल जाता है। पर ये ऐसी गूंगी बहरी सरकार है कि इतने समय से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री एक बार अपना मुंह खोलना जरूरी नहीं समझते। तो भाई जो मुख्यमंत्री हमारे दुख दर्द में हमारे साथ नहीं खड़ा, एक तस्वीर मुझे दिखा दीजिए किसी पीड़ित परिवार की, जहां पे मुख्यमंत्री मेरे गए हो, उस पीड़ित महिला के आंसू पोंछने। महिलाओं की बात करते हैं, किसी महिला के आंसू पोंछे आज तक जाके, किसी परिवार का दुख बांटा इन्होंने आज तक जाके, और उसके बाद ये बात करते हैं भैया कि बिहार में सुशासन है, बिहार में विकास है। भैया बिहार के दीवाने हैं हम लोग, जान दे देंगे बिहार के लिए, और आने वाले समय में देखिएगा, आज की ये 15 तारीख इतिहास में दर्ज कर लीजिए, ये नींव रखेगी मुख्यमंत्री जी को कुर्सी से बेदखल करने की, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की। मेरे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान का आशीर्वाद है मेरे साथ, दावे के साथ कहता हूँ, ना सिर्फ ये सरकार बदलेगी, ना सिर्फ नीतीश कुमार जाएंगे, बल्कि जो नई सरकार आएगी वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को धरातल पर उतार कर विकसित बिहार बनाएगी। चिराग जी, क्या लगता है बदले की भावना से मुख्यमंत्री आपकी पार्टी को बिहार में दबाने की कोशिश कर रहे हैं? भाई मैंने नहीं बोला, आप ही कह रहे हैं। सही कह रहे होंगे, सही कह रहे होंगे आप।